हेलो टाइगर, प्रीति बोल रही हूँ। व्हाट हैपेंड सो लेट? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो गए? देखो, लोग मेरा इंतजार करते हैं, इस ब्यूटी क्वीन का। एक मैं हूँ कि तुम्हारे लिए पागल हूँ। सुनो, आज घर पर कोई नहीं है। हाँ, सबको छुट्टी दी है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी आना। बाय। हरामजादे, ये हथियार कहाँ से लाते हो? बोल। नहीं सर, बोल। मैं जी साहब जी, मैं सच बोल रहा हूँ साहब जी, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे तब तक हम तुम्हें सोने नहीं देंगे। नहीं नहीं साहब जी, मैं सच बोल रहा हूँ साहब जी। बोल हरामजादे, बोल। सच्चाई तो मैं तेरे हलक में हाथ डालकर निकाल लूंगा कुत्ते। ये डंडा जब घुसता है ना तो मुंह से बाहर निकलता है और अच्छे अच्छों की टेप बजनी शुरू हो जाती है। बोल साहब, आपका फोन आया है। नंगा करके रखना साले को। हेलो सर, आप ओके? सर, शरीफों को डराने वाली, मुजरिमों के साथ हाथ मिलाने वाली पुलिस, एक पागल खूनी मर्डर रेप करके फरार, पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम। पढ़ा है आप लोगों ने? क्या क्या लिख रहे हैं अखबार वाले? एक पागल खूनी एक के बाद एक खून करता जा रहा है, रेप करता जा रहा है, और आप लोग बस हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रहे हैं। इतने हाथों के बावजूद सीआईडी को कोई सुराग नहीं मिल रहा है, और यही वजह कि सेंट्रल ने स्पेशल सीबीआई ऑफिसर को इसके इंतजार के लिए भेजा है, जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे आज सुबह मिली। हेलो किरण, मैं सूरज बोल रहा हूँ। सूरज, तुम कहाँ से बोल रहे हो? दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं कल मुंबई आ रहा हूँ। झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। नहीं मेरी जान, सच बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम मेरा वहीं इंतजार करना जहाँ हम मिलते थे। मैं इंतजार करूंगी। ओके बाय। इंस्पेक्टर सूरज रिपोर्टिंग सर। प्लीज डाउन। थैंक यू सर। सूरज। यस सर। ये रही इस केस की फाइल। इस केस के मुताबिक अगर तुम्हें कुछ भी पूछताछ करनी है तो तुम मिस्टर कामे से पूछ सकते हो। तुमसे पहले यही इस केस को हैंडल करेंगे। सर, मुझे नहीं लगता कि इस केस के बारे में मिस्टर कामत को कोई ऐसी बात मालूम होगी जो पेपर वालों को मालूम ना हो। ये न्यूज़पेपर वालों को कुछ ज्यादा ही मालूम है। वैसे आपने आज का पेपर तो पढ़ा होगा। ये केस आपको सौंपा गया। किस पेपर में छपा है सर? ये मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। आज की खबर में क्राइम रिपोर्टर मिस चांदनी ने इस रिपोर्ट को छापा है। चांदनी?
तरह किसी के ऑफिस में बिना इजाजत, या तो कोई बदतमीज या तो कोई आपके जैसा ऑफिसर आ सकता है। मैडम, सिर्फ ऑफिस में आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, किसी के केस के बारे में छापने से पहले जो ऑफिसर उस केस की इंक्वायरी कर रहा हो उससे भी आपको इजाजत लेनी चाहिए, समझिए आप। सॉरी ऑफिसर, एक क्राइम रिपोर्टर को खबर छापने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास उसका सबूत होता है और वो सबूत मेरे पास है। पर जो बात पुलिस सीक्रेट हो उसके लिए होती है। आपने ये कैसे छाप दिया कि अब ये मर्डर रेप केस स्पेशल ऑफिसर सूरज को सौंप दिया गया है? इससे तो मुजरिम और भी चौकन्ना हो सकता है। हमारा काम है कि जो भी केस में नई बात मालूम हो उसे जनता तक पहुंचाया जाए। मेरे मुंबई आने की बात कैसे छापी आपने? ये बात तो पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको नहीं बताई। खुद तुम्ही ने तो मुझे बताया था। गधा हूँ मैं, गधा। भूल गया था कि तुम सिर्फ मेरी महबूबा ही नहीं, एक क्राइम रिपोर्टर भी हो। इडियट, मैंने तुम्हें खबर दी कि मैं इस केस के सिलसिले में मुंबई आ रहा हूँ और तुमने उसे छाप दिया। तुमने खबर दी, और खबर तो छापने के लिए होती है ना? यू आर राइट, मेरी ही गलती थी। ओके ओके, वैसे उस आई विटनेस का क्या हुआ? उसी को देखने जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं कहूँगा तो तुम ये भी छाप दोगी कि पुलिस क्राइम रिपोर्टर से सच्चाई छुपाना चाहती है। वो तो Yes, please. What can I do for you? I'm Dr. Mahesh. I'm Suraj, Crime Branch, CBI from Delhi. कैसी हालत है इसकी? मैं इसका बयान लेना चाहता हूँ। He's not well. हालत काफी सीरियस है, कुछ भी हो सकता है। 48 आज इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है, नींद का इंजेक्शन दिया है, कल सुबह ही होश आएगा। आप? ये चांदनी है, क्राइम रिपोर्टर, मेरी दोस्त, मेरे कॉलेज की फ्रेंड और मेरे काम की दुश्मन। मेरे और मेरे डिपार्टमेंट के बारे में कभी अच्छा नहीं लिखती। जो बात मैं इसे दोस्त समझकर बताता हूँ, ये क्राइम रिपोर्टर बनकर उसे छाप देती है। तुम जब दोस्त बनकर मिलते हो, उल्लू बनाकर अपने डिपार्टमेंट का काम निकलवा लेते हो, तो तब तुम्हें उल्लू बनाने की जरूरत है क्या? तुम्हें तो भगवान ने बनाकर भेजा है। तुम मर्द लोग जो अपने आप को बहुत ही चालाक समझते हो ना, पर तुम लोग जो समझते हो हम औरतें वैसी बुद्धू नहीं है। हाँ, यू आर राइट, मेरी पत्नी भी यही कहती है। लेकिन डॉक्टर, हमारी अभी शादी नहीं हुई। इसीलिए तो नोक झोंक है। अगर तुमने शादी की होती तो तुम खुद ये कबूल करते कि पति ही उल्लू, गधा और बेवकूफ होता है। सॉरी डार्लिंग, थोड़ा इंतजार करना पड़ा। क्या इंतजार ही करना पड़ेगा? नहीं जाने मन, अब तो मिलन की घड़ी आ गई है। सब समझती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है जब तुम बिना कहे ही मेरी बात समझ जाती हो। ऐसे अचानक? क्या कोई स्पेशल केस है? हाँ, केस तो स्पेशल है। एक आदमी है जो रेप करता है और उसके बाद उसी लड़की का मर्डर कर देता है। सीबीआई डिपार्टमेंट ने ये केस मुझे सौंपा है। और चांदनी? शक ना करो जाने मन, ये सारी न्यूज मैं चांदनी से लेता रहता हूँ, और इसकी खबर भी यहाँ के DIG साहब को हो गई है। वो कैसे? मैंने उससे कहा कि ये केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, और ये बात उसने अपने पेपर में छाप दी। चांदनी का तुम्हारे करीब होना मुझे बहुत तकलीफ देता है। पगली, ये सच है, वो मुझे चाहती है। और तुम? मुझे तो सिर्फ उससे अपना काम निकालना है। तुम पे यकीन है, चांदनी पर भरोसा नहीं। कुछ काम अपने फर्ज, अपनी ड्यूटी के लिए करने पड़ते हैं। ये जरूरी नहीं जो आंखें देखती हैं, जो कान सुनते हैं वही बात सच हो। मोहब्बत दिल से की जाती है, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होती जाने मन। अगर उसने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो सोच लो। डैड, मैं बंदूक चलाऊंगी, मुझे बंदूक दो ना प्लीज। हाँ बेटे, पर पहले तुम्हें इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आओ इधर आओ, बैठो, ये लो, पहले निशाना लगाना सीखो। अच्छा। बाद में इसमें गोली डालकर फायर करने के लिए देंगे। अरे इसे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं, फिर इसे जहां निशाना लगाना है एक लाइन में लाकर शूट करने का।
समझे? वाह वाह, क्या ट्रेनिंग हुई है। लगता है इसे शिकारी या फौजी बनाने का इरादा है। लड़की को ये सब? कौन कहता है कि ये हमारी बेटी है? ये तो हमारा बेटा है। ये इंस्पेक्टर बनेगी। इंस्पेक्टर? यू आर राइट डैड। मॉम, आप पुराने जमाने की बात कर रही है। लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है आजकल। लड़कियाँ तो लड़कों से आगे है। क्यों, है कोई जवाब? फिजूल बातों का क्या जवाब हो सकता है। कुछ ढंग की बात सिखाइए इसे जो इसके काम आए। शादी के बाद दूसरे घर जाएगी, वहाँ इसकी गुजर होनी चाहिए। कमाल है, ये बात तुम कह रही हो। जब तुम्हारा मेरे साथ गुजर हो सकता है तो क्या जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो इसे भी कोई मिल जाएगा? तुम क्यों चिंता करती हो? तुम ही इसे बिगाड़ रहे हो, सब तुम्हारा कसूर है। चलो, हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है। शाम को जल्दी आना। ओके, बाय बाय। उसकी नाक मोटी थी, थोड़ी ऊंची थी, आंखें बड़ी बड़ी थी, सिर पे टोपी भी थी और ऐसा ही कुछ था। और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हाइट लंबी थी थोड़ी जी। क्या ऐसे ही दिखता था वो? यही है वो, इसी ने मुझे चाकू मारा था। अगर ये खूनी कोई पुराना मुजरिम है तो CID रिकॉर्ड में इसकी कोई ना कोई फाइल जरूर होगी। You're right, सूरज। चलो हम दोनों चलते हैं। अरे गोपाल तुम? गोपाल तुम आज भी वैसे ही हो। तुम यार दिल्ली से कब आए? अभी थोड़े ही दिन हुए। कैसे दोस्त हो तुम? कॉलेज के बाद एक बार भी नहीं मिले। क्या कर रहे हो तुम? करूंगा क्या, वही हूँ, अभी भी शिक्षा ही ग्रहण कर रहा हूँ। क्या तू अभी तक पास नहीं हुआ? नहीं दोस्त, हर साल सभी विषय में उत्तीर्ण होता हूँ, परंतु हिंदी विषय में हमेशा ही अनुत्तीर्ण होता हूँ। ऐसा क्यों? समझाता हूँ। हमारे महाविद्यालय के अध्यापकों को मेरी हिंदी समझ में नहीं आती, या वो इसे समझने में कतराते हैं। कैसे? वो ऐसे, वो कहते हैं फ्लोरा फाउंटेन, मैं कहता हूँ फूल फोबारा। वो कहते हैं हैंगी गार्डन, मैं कहता हूँ चर्च गेट। वो मेरी हिंदी में होता है गिरजा फाउंटेन। अब यार हिंदी के विषय में तो मैं अंग्रेजी लिख नहीं सकता, बस इसीलिए मैं ठीक हो जाता हूँ। खैर जाने दो, तुम क्या कर रही हो? क्राइम रिपोर्टर हूँ, अब इसकी हिंदी मत पूछना। मैं भी अपने बारे में कुछ बताऊँ, मेरा मतलब है अवगत कराऊँ। नहीं नहीं यार, तुम्हारा मुझे मालूम है, तुम जिस विभाग से हो उस विभाग के लोगों से ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। ओके ओके, फिर मिलेंगे, अभी जरा हमें एक जरूरी काम से जाना है, लेट्स गो। ओके गोपाल, बाय बाय। दे 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 दे, ऊपर वाले के नाम पे 10 रुपया दे दे। अरे तू 10 रुपया देगा तो 10 लाख पाएगा, बिगड़ा हुआ हर काम बन जाएगा। फकीर की दुआ पाएगा तो इस धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। तो कम से कम 10 रुपये तो दे दे। महाराज आपके चरण कहाँ हैं? मुझे आपके चरण छूने दीजिए। जितने अच्छे तरीके से आप भीख मांग रहे हैं उतने अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र नहीं लिख पाता। अबे मूर्ख, अभी तो तू पढ़ रहा है, जब नौकरी के लिए दर दर भटकेगा ना तब समझ में आएगा कि इस तरह से भीख मांगने का तरीका सिर्फ प्रार्थना पत्र लिखकर ही आता है। आपने पढ़ाई कितनी की है प्रभु? अब क्या 10 रुपये देने के पहले तू मेरी परीक्षा लेगा? परीक्षा लेगा? अरे इतना पढ़ा हूँ कि अनेकों अनेक तरीके से भीख मांग सकता हूँ। डबल MA हूँ, डबल MA। क्या? अच्छा तो तुम ऐसा करो, अब तुम मुझे 3 रुपये दे दो, क्योंकि मैं BA फेल हूँ।
पूरे रिकॉर्ड रूम की तस्वीरें देख ली। पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा एक भी मुजरिम नहीं है जिसकी सूरत इससे मिलती हो। हो सकता है ये पहले कभी पकड़ा ही न गया हो, इसीलिए पुलिस में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है। बहुत रात हो गई है चांदनी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। तुम रुटते रहते हो, मनाना तो मुझे ही पड़ता है। Thank you.
अरे साहब, रामू जी, कोई फोन वोन तो नहीं आया? नहीं साहब, फोन नहीं आया, लेकिन कोई आया है। कौन आया है? किरण मैडम आकर बैठी हैं। अरे किरण आकर बैठी है, तुमने मुझे बताया नहीं? बता तो रहा हूँ साहब। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाकर चाय लेकर आओ जल्दी। जी साहब। हाय किरण। हाय। क्या जासूसी कर रही हो? कर नहीं रही, करूंगी। मुझे तुम्हारी चांदी की नीयत ठीक नहीं लगती। नहीं यार, वो तो हम लोग पुलिस रिकॉर्ड रूम में गए थे। फिर क्या हुआ? वहाँ उस खूनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे अब दिन भर तुम्हारा ही ख्याल रहता है, कहाँ हो, कैसे हो। रियली? ऐसी बात है। मोहब्बत के इम्तिहान कागज के टुकड़ों पर नहीं दिए जाते, जाने मन। साहब चाय रख दो। रामू क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? नेक्स्ट टाइम चाय और देर से लाएगा। पिंकी, पिंकी, कहाँ हो तुम? पिंकी कहाँ हो तुम? यस मॉम। मैं बाजार चली गई तो तुमको घर का कोई ख्याल ही नहीं? तुम अपने रूम में बैठकर म्यूजिक सुन रही हो? नौकरानी भी काम कर चली गई और नीचे दरवाजा भी चौड़ चपट खुला है। मैंने समझा उसने दरवाजा बंद कर दिया होगा। उसने नहीं किया तो ये मेरी गलती है। तो तुम समझती हो तुम्हारी माँ पागल है जो तुम्हें बोल रही है? आप तो हमेशा मुझे ही गलत समझती है। दरवाजा खुला था तो क्या हो गया? कोई घर में घुसकर कुछ लूट कर तो नहीं ले गया? बहुत बदतमीज हो गई हो तुम, समझी? हर बात का उल्टा जवाब देती हो। आने दो तुम्हारे डैडी को। को तो खत्म करके आ रहा हूं, अब तेरी बारी है। निकलो, ये खून उसी ने किया है सर। अंदाजा होता है उसी के चाकू के वार हैं।
ऐसे ही जख्म पिछली लाशों पर भी थे। सर अब मेरे पास आई विटनेस भी है, उसने खून होते हुए देखा है। सर कौन है वो? डॉक्टर साहब की बेटी पिंकी। पिंकी बेटे, क्या तुम उस आदमी को फिर से देखकर पहचान सकते हो? हाँ। डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस खूनी को जल्द से जल्द पकड़कर उसे उसके किए की सजा दिलाओ। डॉक्टर महेश शहर के कुछ छोटे मोटे आदमी नहीं है। जब से उनकी पत्नी की हत्या हुई है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी हुई है इस बात का अंदाजा है। हम उस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं जिसने चार्ल्स शोभराज, रमन राघवन जैसे खतरनाक मुजरिमों को पकड़ा है। बंद करो ये आंख में चोरी का खेल, और अगर मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो उन सभी का ट्रांसफर। अंडरस्टैंड? सर, दुनिया में ऐसी कोई हार नहीं जिसे जीत में ना बदला जा सकता हो। महान हस्तियों ने हार को ही जीत की सीढ़ी माना है। यस, बिल्कुल ठीक। मुझे आप पर सब पर पूरा भरोसा है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा सर। आपके विश्वास से मुझे बड़ा सहारा मिलता है। हमारे सभी अफसरों के हौसले बुलंद हैं। हमें यकीन है हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। शहर के हर गुनाह के अड्डे पर, सभी बुजुर्गों पर तुम्हारी नजरों से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। बी अलर्ट, आई वॉन्ट इमीडिएट रिजल्ट, पुट द कल्प्रिट बिहाइंड बार। सो जेंटलमैन, गेट अप एंड प्रोसीड। चांदनी, मैंने कुछ मुजरिमों को पकड़ा है। मैं चाहता हूँ कि कल पिंकी से खूनी की पहचान करवाऊँ। सूरज, तुम्हें ऐसा लगता है कि पिंकी की हालत ऐसी है कि वो पुलिस स्टेशन में आ सके और खूनी को पहचान सके? उसकी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। तुम कल सुबह पिंकी के घर जाकर उसे अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक है, मैं कल पिंकी को लेकर ही आऊंगी। पिंकी बेटा, चेयर अप। देखो, हम आपकी पिंकी बेटा को पिकनिक पे ले जाएंगे, पिकनिक पे। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सूरज ने कुछ मुजरिमों को पकड़ा है और उसने बोला है कि पिंकी को लेकर आने के लिए, ताकि वो खूनी को पहचान सके। मैं भी साथ चलता हूँ। यहाँ इतने लोगों को छोड़कर आपका जाना ठीक नहीं लगता। आप पिंकी की चिंता मत करें। मेरी भी कोई छोटी बहन नहीं है और पिंकी मेरी छोटी बहन लगती है। आप फिक्र मत करें, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है पिंकी बेटे, तुम दीदी के साथ जाओ, ये तुम्हें बाहर घुमा कर लाएगी। ओके डैडी। चलो पिंकी। नमस्ते। भाई साहब, इस समय बात करना अच्छा नहीं लगता, पर अगर इस बात का फैसला नहीं किया तो आगे परेशानी और बढ़ जाएंगी। कैसा फैसला? देख यार महेश, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे बचपन का साथी हूँ। सच को टालने से सच्चाई बदल तो नहीं जाती। एक ऐसे नाजुक वक्त पे बच्ची को सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। कब तक तू पिंकी को अपने हाथों से खिलाता सुलाता रहेगा? देख, हमारा मशवरा माने तो तू दूसरी शादी कर ले। क्या कह रहे हो? इधर उसकी चिता की आग ठंडी नहीं हुई है और तुम कहते हो कि दूसरी शादी कर लो? देख मेरे दोस्त, पिंकी की इसी में भलाई है। अरे भाई, उसको उसकी माँ मिल जाएगी और तुझे तेरी जिंदगी का सहारा और इस घर को एक नई मालकिन। जरा सोच यार, अच्छी तरह सोच कि इसके बाद तू अपने काम धंधे पे ध्यान दे सकेगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी मान मर्यादा
दुनिया की लाश शर्म, लोग क्या कहेंगे? देख महेश, इनकी एक खौफनाक दहशत के तले जी रही है। मैं देख रहा हूँ कि वो बेचारी एक हत्ती खेलती गुड़िया अच्छा में चुप हो गई है। देख, उसके दिल से ये दहशत निकालना बहुत जरूरी है, और अगर उसके दिल में ये डर बैठ गया तो तुम अपने आप को सारी उम्र माफ नहीं कर पाओगे, समझे? हमारे दिल में जो बात थी हमने कह दी, फिर आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। हाँ भाई, जल्दी क्या है, अच्छी तरह वक्त लेके सोचो और हमें बता दो, ठीक है? हम चलते हैं। चलो। देख, सोच के बता देना, ठीक है? आओ। ओके। पिंकी, ठीक से देखकर बताओ, इनमें से कौन सा आदमी है जिसने तुम्हारी मम्मी का खून किया है? डरो नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। घबराओ मत पिंकी, मैं हूँ ना, देखो। इनमें वो जिसने खून किया वो नहीं है। शाबाश पिंकी, डरो नहीं, फिर से देखो। जी, वो नहीं है। शिट। हवलदार जी साहब, ले जाओ इन सबको। ए चला रहा, चला चला। चांदनी, आज हम पिंकी के साथ घूमने और आइसक्रीम खाने जाएंगे, क्यों पिंकी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो पिंकी, आइसक्रीम खाने चलते हैं। डैडी। हेलो डॉक्टर। हेलो हेलो हेलो, कहाँ गई थी हमारी गुड़िया? बहुत जगह, गार्डन, जुहू, चौपाटी, बहुत मजा आया। आप भी चलते तो? अगली बार हम भी चलेंगे। अब जाओ चेंज करो। ओके, गुड नाइट अंकल, गुड नाइट आंटी, गुड नाइट बेटा। आइए चलो बैठिए। आज तुम दोनों की वजह से कितने दिनों बाद पिंकी को खुश देखा है, उसकी हंसी सुनने को मिली है। थैंक यू बोथ ऑफ यू। पिंकी की खुशी लौट आए, इसीलिए पिंकी को हम साथ ले गए थे, और उसे खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई। पर डॉक्टर साहब, एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप पिंकी को हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहते हैं तो आप भी अपनी पत्नी के गम से बाहर निकलिए। इस तरह घर में पुरानी यादें बसा कर रखेंगे तो गम के बादल ऐसे ही छाए रहेंगे। शायद तुम ठीक ही कहते हो। हम चलते हैं डॉक्टर साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। फिजूल बातों का जवाब क्या हो सकता है? कुछ ढंग की बात सिखाइए इसे, जो इसके काम आए। शादी के बाद दूसरे घर जाएगी, वहां इसकी गुजर होनी चाहिए। कुछ ढंग की बात सिखाइए इसे, जो इसके काम आए। No!
सिगरेटों पर? कल रात के खुलेआम मर्डर ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है चांदनी, और खूनी का कोई क्लू ही नहीं। सूरज, न्यूज़पेपर में स्केच छपवा दो, शायद इसका कोई क्लू मिल जाएगा। गुड आइडिया, तुम ठीक कह रही हो। आई लव यू। आइए आइए, सब खैरियत तो है? मैं तो खैरियत से हूँ, मैं तेरी खैरियत पूछने आया था। कैसे तू? ठीक हो? अरे यही खूनी है ना, पकड़ लिया क्या पुलिस ने इसे? अरे नहीं यार, पकड़ा नहीं है, इसने एक और खून कर दिया है, इसलिए पुलिस ने इसका स्केच अखबार में छपवाया है। कोई देखे तो इन्फॉर्म कर दे। नहीं, अपनी नजरों में तो ऐसा आदमी नहीं दिख रहा। खैर इसकी तलाश तो पुलिस कर लेगी, भूल जा यार इन सब बातों को, जो बीत गया सो बीत गया। तू अपने आगे की सोच, कुछ सोचे अपनी शादी के बारे में, कुछ सोचे उस मासूम पिंकी के बारे में? अरे जरा सोच यार, जो दुख सुख वो अपनी माँ के साथ बांट सकती है वो तेरे साथ तो नहीं बांट सकती ना। वक्त के साथ आदमी बदलता है, चेहरे बदलते हैं। सिर्फ नकाब पहनकर एक छत के नीचे रहना, हम बिस्तर होना, एक साथ जिंदगी जीना काफी नहीं है। और ये भी तो हो सकता है कि अपने प्यार मोहब्बत और जज्बात के साथ वो तेरा और तेरी बेटी पिंकी का मन जीतने में कामयाब हो जाए। मैंने कब इनकार किया? शादी तो मुझे खाब सी लगती है, अब कोई लड़की बिना जाने मुझसे क्यों शादी करेगी, वो भी एक बच्ची के बाप से। अच्छा मेरे बाप, लेकिन मैंने तो तेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली है, नाम है सुधा, बड़ी पढ़ी लिखी और समझदार औरत है, मेरी बीवी की रिश्तेदार है यार, वो भी शादीशुदा थी, लेकिन उसके साथ एक ही ट्रेजेडी हो गई कि उसका पति कार एक्सीडेंट में मारा गया बेचारा। जानते हैं उसका भी एक बेटा है राहुल, छोटा सा, बिल्कुल हमारी पिंकी की एज का। छोड़ो यार, जाने दो। मैं तो कहता हूँ उसे एक बार तो मिल ले, क्या हर्ज है मिलने में? मेरा साला सचिन जानता है ना, मैं उसे फोन कर दूंगा, वो तुझे क्लब में उससे मिलवा देगा। ठीक है यार, मिल लूंगा, अब तो ठीक है। अरे यार, मैंने चाय वाय के लिए तो पूछा ही नहीं। ओहो, क्या ट्रेंडी लिए चाय नहीं पूछी? अरे यार, तू भी MTML की तरह है बिल्कुल, डायल करते जाओ करते जाओ, रॉन्ग नंबर मिलता जाएगा। शुक्र है मेरे दोस्त का राइट नंबर मिला। बात तो मुझे पूछनी चाहिए कि आप क्या लेंगे। ऐसी बात है तो कुछ भी ले लेंगे जो आप अपनी पसंद से मंगवाएंगे। शायद मेरी पसंद आपको पसंद ना हो। ये भी तो हो सकता है, जो मुझे पसंद है वो आपको ही पसंद हो। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। नहीं नहीं, वैसे मैं आदमी भी अच्छा हूँ, अगर यकीन नहीं है तो आप अपनी जीजा जी से पूछ लीजिए। आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट, थैंक्स, मुझे आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी। बेटे दो कॉफी। सुधा, कल तक ये घर मेरा था,
आज से ये घर तुम्हारा है। ये घर ना तुम्हारा है ना मेरा, अब ये घर हमारा है। अंदर चलते हैं, आओ। पिंकी बेटा। डैड आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हम आपकी मम्मी को लाने गए थे। मम्मी कहाँ से? सुधा ये रही हमारी बेटी पिंकी। पिंकी ये रही तुम्हारी मम्मी। नहीं ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है, मेरी माँ मर चुकी है, ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती। तुम संजोग और संबंध इन बातों को मानती हो? जी मैं कुछ समझी नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, नहीं मानता था इन बातों को, लेकिन जब से तुम्हें देखा है, तुमसे मिला, मुझे ऐसा लगा कि जीवन की सारी खुशियां मिल गई मुझे। हमारा मिलन तो होना ही था। हाँ कुछ देर जरूर लग गई पर हम मिले तो सही। मेरा दिल देखो कैसे धड़क रहा है, मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। ये इत्तेफाक तो ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। महेश मुझे लगता है पिंकी को मेरा घर आना अच्छा नहीं लगा। सुधा तुम पिंकी की हालत समझ सकती हो, आज भी उस हादसे का उसके दिल और दिमाग पर गहरा जख्म है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे प्यार और ममता भरे मरम से उसका जख्म भर जाएगा। हाँ। और वो फिर से तुम्हें अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेगी, मुझे यकीन है। गुड मॉर्निंग पिंकी बिटिया, चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो वरना स्कूल की बस छूट जाएगी। मैं टोस्ट नहीं खाती। अच्छा मम्मी को तो ये पता ही नहीं था कि आपको टोस्ट पसंद नहीं। आप ही बताइए कि आपको हलवा पूरी पराठे क्या पसंद है। जब तक आप मम्मी को ये नहीं बताएंगी कि आपको क्या पसंद है, मम्मी को कैसे पता चलेगा। तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुमको कुछ नहीं मालूम। मेरी मम्मी सब जानती थी, मैं क्या खाती हूँ, मुझे क्या पसंद है, कुछ नहीं समझती तुम। तुम मेरी मम्मी नहीं हो। हाँ बोलो सुधा, क्या बात है? पिंकी रोज 4 बजे तक घर आ जाती थी, 5 बज रहे अभी तक घर नहीं लौटी, यहाँ तक कि उसकी स्कूल की बस भी आकर चली गई। अरे कोई बात नहीं, पिंकी समझदार लड़की है, जरा वेट करो आ जाएगी। जी नहीं तो दोबारा फोन करो, घबराने वाली बात नहीं है, आ जाएगी। ओके अच्छा खड़ी है, उसे पैसे दे दो। टैक्सी? हाँ टैक्सी से आई हूँ, अगर तुम्हें पैसे नहीं देने तो मेरी पॉकेट मनी का बॉक्स डैडी के कबाड़ में है, उसमें से दे दो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ, समझी? सुधा तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी, तुम इस मुश्किल का हल कैसे निकाल पाऊंगा। पिंकी अपनी माँ से उल्टी सीधी बातें करती थी, मैं उसकी माँ को समझा दिया करता था, शायद इसीलिए पिंकी सिद्धि हो गई है। मैंने आपसे पिंकी की बातें इसलिए नहीं की कि उसकी बातें बुरी लगी मुझे, मैं उसके दिल का दर्द समझ सकती हूँ, माँ हूँ उसकी मैं, मगर न जाने क्यों एक डर सा लग रहा है, विश्वास डगमगा रहा है मेरा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल में मैं अपने लिए प्यार ना पैदा कर पाऊँ। ऐसा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। Thank you.
यार महेश, तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि पिंकी को सुधा से कोई लगाव ही नहीं। नफरत करती है वो। माँ बेटी का रिलेशन कैसे बन गया यार? वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। यार इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमने जो सोचा था कि पिंकी सुधा घुल मिल जाएंगी, बाद में राहुल को भी बुला लेंगे, लेकिन हमारी आइडिया फ्लॉप हो गया। शायद हमने गलत सोचा था। यार मेरे दिमाग में एक बात आई है, अगर राहुल घर आ गए तो। इतनी जल्दी? यार पहले तो हमने ऐसा नहीं सोचा था। एक मिनट मेरी पूरी बात तो सुन। हो सकता है राहुल और पिंकी आपस में खेलकूद के जरिए घुल मिल जाएं। राहुल का प्यार अपनी मम्मी की तरफ देख के शायद पिंकी के दिल में भी सुधा के लिए प्यार जाग जाए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ये बात पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? हम खा मखा डरते रहे। मैं आज ही राहुल को घर ले आऊंगा। राइट मेरे दोस्त, अब तुम ठीक समझे हो। देख लेना राहुल के घर आते बहुत फर्क पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुधा, 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 देखो तो सही कौन आया है। राहुल, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, कैसा है तू? ठीक है। I love you. सुधा, हमारा बेटा हमारे साथ रहेगा। थैंक यू महेश। पिंकी, पिंकी बेटे, पिंकी, राहुल बेटे, ये तुम्हारी बहन पिंकी है। हेलो दीदी। पिंकी, आज से राहुल तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रहेगा, समझी? राहुल बेटे बैठो। ये मेरी रीडिंग टेबल है, इस पर अपनी किताबें कभी मत रखना। तूने मेरी कॉमिक बुक क्यों ली? मैंने नहीं ली, मम्मी ने दी है। वो कौन होती है मेरी बुक को हाथ लगाने वाली? और तू मेरे बिस्तर में क्यों सोया? मम्मी ने कहा है। तू मेरे बिस्तर में सोएगा? तुम एक पढ़ी लिखी, अच्छी और समझदार माँ हो, इसका पूरा यकीन है मुझे। मैं तुम्हारी खामोशी की वजह समझ सकता हूँ। दिल करता है कि इतनी जोर से चीखूं कि आसमान तक उसकी गूंज पहुंचे। छोटी सी गलतफहमी से हमारा हंसता खेलता परिवार टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। शादी हम दोनों की मर्जी से सोच समझ कर हुई है। मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ। मैं हालात की गहराई को बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। जब से राहुल आया है पिंकी बहुत अपसेट सी हो गई है। वो टूटी हुई सी महसूस कर रही है। सुधा, उसे बहुत प्यार से संभाल कर उसका विश्वास जीतना होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं उसके लिए दवाई लाया हूँ, तुम उसे चुपके से पिला देना। अब ये सारी जिम्मेदारियां मेरी ही हैं। याद रखिए, अगर आपका प्यार और विश्वास मेरे साथ है तो घर में खुशियां जरूर लौट आएंगी। महेश। पिंकी, क्या बात है, आजकल तुम मुझसे पढ़ती नहीं? नहीं, माँ ने मना किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो क्या मुझे मना करेगी। मुझे तो बस। तुझे क्या? मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरा तो बस ही नहीं चलता। नहीं तो मेरे घर में एक आंटी बोल रही थी, सौतेली माँ किसी की ना हो, ये डायने बनकर घर का सत्यानाश कर देती है। सौतेले बच्चों का गला दबाकर या जहर देकर मार देती है। मैं तुझे होशियार करने आई हूँ, समझी? तुम्हारी सौतेली माँ मुझे भी घूर के देखती है, मैं तो चलती हूँ।
लाइनें बनकर घर का सत्यानाश कर देती है, सौतेले बच्चों का गला दबाकर या जहर देके मार देती है। हाँ, वो जहर देके मार देती है। पिंकी, पिंकी बेटा सुनो, कहाँ जा रही हो? इधर आओ, ये लो दूध पी लो, फिर चली जाना जहाँ जाना हो। इसमें जहर है, मुझे नहीं पीना, ये मुझे मारना चाहती है। जहर है इसमें, नहीं पीऊंगी मैं ये। हाँ, नहीं नहीं चाहिए, नहीं नहीं चाहिए मुझे ये दूध, इसमें जहर है। तुम मुझे जहर देकर मार देना चाहती हो। ऐसा नहीं कहती, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ? इस दूध में जहर था, ये मुझे मार देना चाहती है। आप नहीं जानते दाद। पिंकी सुधा, सुधा, खाबों की दुनिया बड़ी हसीन होती है, मगर जब खाब टूटते हैं तो वक्त बहुत बेरहम होता है। समय ही इंसान को एक छत के नीचे रहने के बावजूद फिर अलग अलग कर देता है। हमने शादी की, शारीरिक सुख एक दूसरे के साथ बांटा, लेकिन मन की शांति तो दोनों की ही खो गई। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसमें गलती किसी की भी नहीं है, ना महेश तुम्हारी, ना भाभी तुम्हारी। जो बेकार में अपने आप को कोसते रहते हो, बेकार में कोसते रहते हो, क्या कोसने से हालात बदल जाएंगे? नहीं, कभी नहीं बदलेंगे। देखो, पिंकी को प्यार की जरूरत है, पिंकी को दुलार की जरूरत है, दुलार की। भाई साहब, हम दोनों ही पिंकी से बहुत प्यार करते हैं। मैं मानता हूं कि आप दोनों बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन उस नन्ही सी गुड़िया और उस नन्हे से बेटे के लिए अच्छे माँ बाप भी बनकर दिखाओ। अरे ऐसे हाथ से तो अक्सर जिंदगी में हुआ करते हैं। महेश, महेश माई फ्रेंड, तुम तो एक डॉक्टर हो, और सुना है कि डॉक्टर तो बड़े बड़े हाथों के साथ खेलते हैं। खेलते हैं, ठीक है, मौका मिलते मैं खुद अपनी पिंकी से बात करूंगा। गोपाल, पढ़ना तुमने छोड़ दिया, और नौकरी? नौकरी मिलती नहीं यार। फिर तुम करते क्या हो? हमने 50 सालों में किया ही किया है, चूहों की तरह आबादी बढ़ाई है, भीख मांग मांग कर नौजवान शिक्षित हुए हैं, सड़कों शहरों गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर लगाए हैं। बिद्दी से पाकिस्तान जब चाहे हमें हड़काता रहता है, कश्मीर को अपने साथ जोड़ नहीं पाए, बिना रिश्वत के यहाँ नौकरी मिलती नहीं, महान भारत बनाने का सपना देखते हैं। जापान पिछले 50 सालों में 1000 पति से 1 खरब पति बन गया, और हम घरों से नहीं शर्म से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बताने आया था कि तुम्हारे समाचार पत्र में जिस आदमी का चित्र छपा हुआ है, उसे मैंने किसी बार में देखा है, वो बार याद नहीं कौन सा है। एक मिनट, कहीं ये वही तो नहीं? हाँ भाई, ये तो वही है। मैं सूरज को फोन करती हूँ। आओ सूरज, आओ। हाय। अरे कब और कहाँ देखा है तूने उसे? मैंने इसे एक बार नहीं, कई बार देखा है। कहाँ देखा है? लेकिन ये अक्सर बियर बार में ही दिखा मुझे। इसका मतलब है कि हमें किसी बियर बार में ही मिल जाएगा वो। क्वाइट पॉसिबल। लेट्स गो। शाम से लेकर मुझे चक्कर कटवा रहे हो, कभी इस बार में कभी उस बार में। तुमने उसे देखा भी है या बस ऐसे ही? हाँ हाँ यार, मैंने उसे बार में ही देखा है, पर किस बार में ये मुझे याद नहीं। चलो चलो अंदर तो चलो। मैं रानी बड़ी मस्त।
झूठ बोल रही है। ए, जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन चलकर बोलना। मूव, कम ऑन, चल। हेलो सूरज, कहाँ थे तुम? चांदनी, कल रात मैंने उस स्केच वाले कैरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या सच? चलो अच्छा हुआ, मैं ये न्यूज़ कल पेपर में छाप दूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, अभी तक कंफर्म नहीं है। फिर अब क्या प्रॉब्लम है? उसकी पहले शनाख्त हो जाए, फिर देखेंगे क्या करना है उसका। तो अब क्या करना होगा? पिंकी को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ, बाकी सब बातें यहीं करेंगे। ओके ओके। पिंकी बेटे, डरना नहीं, हाँ हम हैं ना तुम्हारे साथ।
इस लड़की ने मुझे कत्ल करते हुए देखा है। अगर इसने मुंह खोल दिया तो मुझे फांसी हो सकती है। पिंकी बेटे, तुमने अपनी माँ के खूनी को देखा है, उसे पहचानती हो तुम? वो पुलिस की हिरासत में है। देखो डरना नहीं, सूरज अंकल है ना, चलो। अबे क्या सोच रहा है, चलो चलो तुम लोग भी चलो। पिंकी बेटे देख के बताओ इनमें वो है। से देखो, पहचानो इसे, यही तुम्हारी मां का खूनी है। पहचानो पिंकी, बोलो पिंकी, तुम चुप क्यों हो? नहीं अंकल, इनमें मेरी मां का कोई भी कातिल नहीं है, वो कोई दूसरा था, ये नहीं थे। क्या स्केच गलत था? हो सकता है वो ठीक से देख ही नहीं पाया हो। अब क्या, अब छोड़ना पड़ेगा इनको। हवलदार छोड़ दो इनको, चलो चलो तुम लोग। ये चल रे, चल। हेलो। हाँ सूरज। सर किस मुकाम पर पहुंचे? शनाख्त परेड हुई, लेकिन इनमें वो खूनी नहीं है सर जिसकी हमें तलाश है। पिंकी ने पहचानने में ना कहा है। देखो सूरज, छोटे से छोटे क्लू को भी नजरअंदाज मत करना, हमारी छोटी सी गलती खूनी को कोसों दूर ले जा सकती है। यू आर राइट सर। गुड, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट बॉय।
का हम सफर जो मुझ पे मेहरबान हो गया, सफर जिंदगी का आसान हो गया। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। ओह आप हैं, कहिए क्या बात है। राहुल के बर्थडे के लिए केक का ऑर्डर देना है, अगर तुम यहाँ जाओ तो अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं केक भी सेलेक्ट कर लूँगी, आप मेरी मदद भी कर देना। हाँ, फिर हम दोनों साथ साथ घर चलेंगे। ओके स्वीटहार्ट, मैं बस थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। पिंकी बेटा, मैं केक लेने जा रही हूँ, राहुल का ख्याल रखना। ए,
चलो दीदी छुपा छुपी खेले। चलो राहुल बेटा, बेटा राहुल, अरे राहुल कहाँ है? डैडी, डैडी, मम्मी, डैडी। अरे राहुल बेटा, बेटा, तुम ठीक तो हो? तो राहुल, तुम्हें अंदर किसने बंद किया बेटा? बोलो। नहीं मालूम मम्मी। वो तो अच्छा हुआ कि फ्रिज में लीकेज थी, वरना कुछ भी हो सकता था। पिंकी तुम कहाँ थी? तुमने बंद किया राहुल को? मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने रूम में थी। सुधा, घबराने की कोई बात है? घबराने की कैसी बात नहीं है? अब मैं राहुल को यहाँ एक मिनट नहीं रखूंगी, इसे फिर से हॉस्टल भिजवा दूंगी, कुछ भी हो सकता है यहाँ। हम तो चाहते थे राहुल हमारे साथ रहे, लेकिन मजबूरी है। पिंकी तो फिर भी बड़ी है, समझदार है, मगर ये अभी बहुत छोटा है। ये अपने आप में बहुत अकेला फील करता है, और इसलिए हमने ये फैसला किया कि इसे फिर से हॉस्टल भिजवा दिया जाए। मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। चलो बेटा। बाय बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय बाय डैडी। बाय बेटा। बेटा अपना ख्याल रखना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। चलो बेटे। अच्छा जी, नमस्ते। लेकिन मुझे पहचाना कैसे तूने? मैंने तो तुम्हें थाने में ही पहचान लिया था। तो फिर? मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था, तुम्हारी जान बचाई। क्यों? तुमने मेरी माँ का खून किया, जिससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तुमने मेरा सत्यानाश कर दिया। वो कैसे? मेरी माँ मर गई, मेरे दादी मेरे लिए नई माँ ले आए। वो अच्छी नहीं है, वो बहुत बुरी है, कभी दूध में जहर, कभी खाने में न जाने क्या क्या मिलाकर खिलाती है। वो मुझे मार डालना चाहती है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक खून तुमने किया, एक और करोगे मेरे लिए। मैं कोई पेशेवर कातिल तो हूँ नहीं कि जाऊँ और तुम्हारी माँ का खून कर दूँ। मुझे तो खुद पता नहीं चलता कि मुझे क्या हो जाता है। बिन माँ बिन बाप के बच्चे का क्या हाल होता है तुम नहीं जानते। नहीं, अगर मैं तुम्हारा गला घोटकर यही मार डालूं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, लो खोद दो मेरा गला, मार डालो मुझे, मैं भी अपनी मम्मी के पास चली जाऊंगी। डैडी भी प्यार नहीं करते, डांटते हैं। बहुत प्यार करती हूँ अपने डैडी से। हाँ, लेकिन मैं खून कैसे कर पाऊंगा? वो मैं तुम्हें बताऊंगी, मौका देख कर फोन कर दूंगी। अपना फोन नंबर मुझे दे दो, कार है तो फोन भी होगा। समझदार हो, तुमने मुझ पर एहसान करके मुझे खरीद लिया। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। ये लो मेरा कार्ड। अच्छा हुआ तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, मैं बाहर इंस्ट्रक्टर को कॉल कर आई थी, मेरी आवाज सुनने पर वो अंदर आ जाए। वेरी स्मार्ट गर्ल, आई लाइक इट। ओके, मेरे फोन का इंतजार करना। ये अच्छा मौका है उसे मारने का, आज किस्सा खत्म ही कर देती हूँ। पिंकी, क्या हुआ बेटा, आज फिर स्कूल से लेट हो गई ना?
इधर आओ, अपनी मम्मी को बताओ क्या हुआ। आओ। सुधा, कल पिंकी काफी देर से आई, तुमने उससे पूछा? पूछा तो था, पर उसे मुझसे बात करना अच्छा ही नहीं लगता। शायद अपनी सहेली के घर से होमवर्क करके आई हो। अरे हाँ, याद आया, आज तुम्हारी सहेली की बेटी का रिसेप्शन है। देखो सुधा, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तुम ही हो ना। वैसे आज पिंकी घर पर ही है, मुझे लगता तुम्हारे साथ जाएगी। ठीक है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। जल्दी आ जाना, मैक्सिमम 9 बजे तक। ओके, 9 बजे तक आ जाऊंगी। मैं भी जल्दी आने की कोशिश करूंगा, हो सकता है देर हो जाए। ठीक है। ओके। हेलो। बजे लाइटें ऑफ रहेंगी, पीछे का दरवाजा खुला रहेगा। हाँ, 9 बजे पहुंच जाऊंगा मैं। ओके। पिंकी, 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 क्या बात है, लाइट क्यों ऑफ है? पता नहीं, तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? वो क्या है कि पंखा, हाँ पंखा बंद है इसीलिए। तुम जाओ, मुझे आज पढ़ना नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। नौ बज गए, अभी तक ना माँ आई है ना ही खूनी। अरे ये लाइट को क्या हुआ? पिंकी, पिंकी, बेटा पिंकी, सो गई होगी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? एक सुनसान बंगले में एक हसीन औरत से एक जवान मर्द क्या चाहता है? जाहिर है मैं यहाँ चोरी तो नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? ये खूबसूरत हुस्न, ये गदराया बदन, क्या किसी दौलत से कम है? जिसे ये मिल जाए उसे और क्या चाहिए। रोज कहाँ जाती है ये जाने मान, रोज कहाँ भागती है। मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया है, तुम्हारी माँ को नीचे फेंक दिया है, वो मर गई है, अब तुम ये क्या कर रही हो? तुमने अपना काम किया, मैं अपना काम कर रही हूँ। तुमने मेरी माँ की जान ली, अब मैं तुम्हारी जान लूंगी। नहीं पिंकी, देखो गोली चल जाएगी पिंकी। नहीं 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 पिंकी, नहीं नहीं नहीं। Don't worry. Operation is successful. Thank God. Because of your wife.
थोड़ी देर में होश आ जाएगा, सब काम सही वक्त पर हो गया है। डॉक्टर साहब, हमें पता है हमारी सुधा भाभी बहुत ब्रेव औरत है। थैंक यू डॉक्टर, इट्स माय ड्यूटी, थैंक यू। हेलो पिंकी बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? गुड, अपनी मम्मी को थैंक्स बोलो, आज इनकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। रात को अगर ये यहाँ नहीं होती तो तुम्हारा बचना मुश्किल था। इन्होंने अपना खून दिया तो ही ऑपरेशन कामयाब हुआ, समझी? थैंक यू डॉक्टर। नो थैंक्स एंड टेक केयर, बाय बाय पिंकी बेटा। डॉक्टर महेश, ड्यूटी ऑफिसर ने मुझे सारी रिपोर्ट दे दी है। कैसी हो पिंकी बेटे अभी? कैसी हो पिंकी बेटे? महेश, आपने हमें फोन पर इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मुझे कहाँ होश था, वो तो मैं वक्त पर पहुंच गया, सब ठीक हो गया। भाभी चांदनी, सुधा भाभी ने बड़ी हिम्मत से काम लिया है भाई, इन्हीं के खून से ये ऑपरेशन हो पाया, वरना पता नहीं क्या। क्यों नहीं, माँ तो आखिर माँ होती है, वो अपना खून तो क्या, वो अपनी जान भी दे सकती है, और फिर पिंकी के लिए। क्यों पिंकी? अच्छा भाई, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। क्यों पिंकी? दिन भर मुजरिमों के पीछे भागते रहते हो, वो कहावत मालूम है, चूहे भाग बिल्ली आई। ये मसले इस तरह हल नहीं होते। एक हत्यारा सरेआम कत्ल कर रहा है, बेधड़क मुंबई की सड़कों पर घूम रहा है, आज तक पुलिस के हाथ नहीं लगा, ये मेरे लिए कितने शर्म की बात है। पिंकी से भी अभी कुछ पूछ नहीं सकते, और सुधा भी। इसमें परेशानी की क्या बात, हिम्मत दलेरी दिमाग से काम लो, गुमसुम बैठ के ये सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहे हो। एक सनकी आदमी जानवरों जैसा बर्ताव कर रहा है, कोई उसके बारे में कुछ बोलता नहीं, कोई क्लू नहीं। डरते हैं ये लोग, तुम पुलिस वालों से बहुत डरते हैं इसीलिए नहीं बोलते, इनका विश्वास जीतो। इसमें पुलिस क्या कर सकती है, हर औरत के पीछे एक पुलिस वाला तो नहीं रख सकती ना। नंगे हुस्न को देखकर तो विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि का मन डोल गया था, फिर ये तो हवस का पागल नंगे बदन को देखकर शैतानियत का खेल खेल रहा है, तुम्हें भी कोई चाल चलनी होगी। वो तो मैंने सोच लिया है, और चांदनी को पूरा प्लान भी समझा दिया है। इससे क्या फायदा, सांप अपनी केंचुली 50 बार बदले मगर डंक मारना उसकी फितरत है, वो डंक मारेगा और फंसेगा। यू आर जीनियस। की नुमाइश करने वाली, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यस सर। सभी कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है ना? हाँ सर। सीबीआई और सीआईडी के इंस्पेक्टर भी अलर्ट रहने चाहिए। ओके सर। मुझे उसको जिंदा पकड़ना है, डोंट शूट, इन्फॉर्म करते रहो। ओके सर। भाइयों और बहनों, किसी कारण से चांदनी जी इस प्रोग्राम में लेट आ रही है, तो तब तक आप यूपी के लटके और बिहार के झटकों का आनंद लीजिए। हमारा यह दावा है कि जो आज तक नहीं नाचा वो आज नाचेगा, जो आज तक नहीं झूमा वो आज झूमेगा। गुल से गुलशन, गुलशन से बहार, दिल लूटे यूपी और बिहार। तो दोस्तों, राजेश
लगता है इस तरह तुझे उठाकर लाना अच्छा नहीं लगा। तेरा बस चले तो तू मुझे इसी वक्त गोली मार दे। कैसे देख रही है, आंखें नीची कर नीचे। मगर ये सब क्यों? तू जानना चाहती है मैं ये सब क्यों करता हूँ? क्यों? तुम पहली, हाँ पहली लड़की हो जिसने मुझसे इतना पूछा। मेरी माँ मर गई, मेरी सौतेली माँ आई, एक खूबसूरत नागिन। अपनी देह की नुमाइश गोश्त का धंधा करने वाली मेरे बाप का सब कुछ लूट लिया, धन दौलत दुनिया को बोल दिया हिजड़ा है मेरा बाप। मेरे बाप को गाली दी उसने। मैं नादान बेबस कभी अपनी आंखों से देखता रहा, देखता रहा, कुछ न कर सका, कहीं क्या सकता था। एक दिन वह गया, उसने उस औरत ने मेरे बाप को मार दिया। मेरा बाप मर गया, मैं लावारिस हो गया, मुझे कचरा समझकर अनाथ आश्रम में फेंक दिया गया। न मेरी माँ न मेरा बाप। उस दिन से मेरे दिल में इंतकाम की आग ने जन्म लिया। अब तुम जैसी अपने जिस्म का सौदा करने वाली हर आवाज से नफरत हो गई मुझे। नफरत Thank you.